इस मकसद के लिए याद रखिएगा कि हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा अपने कॉन्टेक्स्ट में अपनी एलाबोरेशन में हम किन अल्फाज का चुनाव कर रहे हैं और उन अल्फाज के तौर पर हमारा रद्द अमल वो क्या है इन चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए वी नीड टू गो थ्रू द डिटेल्स ऑफ दीज पॉइंट द फर्स्ट थिंग यू टू अंडरस्टैंड इज दैट द इफेक्टिवनेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज इज डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ इनोवेशन रिस्क

एज गुड एज इट्स टॉप पीपल बिकॉज वी ऑल्सो डिस्कस के टॉप मैनेजमेंट की पर्सनल वैल्यूज ऑर्गेजेशन की कल्चरल वैल्यूज होती है देरफोर याद रखिएगा कि टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट टॉप मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट टॉप मैनेजमेंट की भी एंगेजमेंट वो हमें रिक्वायर्ड होगी अगर हम डाउन द हैरार की इन तमाम एटीट्यूड को इनकॉरपोरेट वो करना चाहते हैं एनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दीपल प्रॉब्लम आर द मोस्ट डिफिकल्ट एंड प्लेक्सिंग एंड क्रूशल because obviously human psychology is a combination of very complicated phenomena human mind ki working wo kai perspective mein move wo kar rahi hoti hai and there are so many things which are yet to be discovered about the human psychology and human mind therefore people related problems are more difficult to tackle and handle as compared to a machine related problem and issues so we have to be able to elaborate the problem in a rightful fashion और फिर ही हम सही एक्शन वो ले पाएंगे अब एक्शन एंड वर्ड्स के हवाले से देर आर डिफरेंट दैट वी नीड टू नो फॉर एग्जाम्पल वेन वी टॉक अबाउट एग्जेक्टिव बिहेवियर रिमेंबर दैट एग्जेक्टिव बिहेवियर कैन बी फिटेड इन टू टू बेसिक पैटर्न द फर्स्ट पैटर्न इज दैट पैटर्न थॉटफुल रैशनल एंड माइल्डली कंपेटिटिव

टेकिंग रिस्क और एक्सपेरिमेंटिंग न्यू आइडियाज और फीलिंग्स और हमें यह देखना पड़ेगा कि वो किस कदर रिस्क टेकर हैं, वो किस कदर की तरफ जाना चाहते हैं और उनके पास नए से नए आइडिया द सेकेंड थिंग विच वी न्यू टू अंडरस्टैंड इज हेल्पिंग अदर्स टू ओन अपन एंड टेक रिस्क बिकॉज जब तक हम उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे दे वुड नॉट बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट वट आर देयर मोटिव आर देयर कंपिटेंसीज

वहाँ पर क्रिएट हो सकता है वी हैव टू बी सेंसिटिव एग्जेक्टिव बिहेवियर इज गोइंग टू हैव द इंपैक्ट्स एंड द इफेक्ट्स विद ऑल सच थिंग्स एन इंपॉर्टेंट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स एंड आइदर वे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो अब एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना उनको डेमॉन्स्ट्रेट करना उनको कंट्रोल करना ये तमाम तरह वो चीज़ें होंगी जिसमें हमें इमोशनल इंटेलिजेंस के सहारे की भी जरूरत पड़ेगी और हमें अपने लीडरशिप प्रस्पेक्टिव को भी मद्देनजर रखना होगा तभी हम अलाइनमेंट लेकर आ सकेंगे बिटवीन आवर वर्ड्स एंड आवर एक्शंस अल्फाज का चुनाव और उनका इजहार हमारे लिए बहुत सेंसिटिव फिनिना है और फिर जो भी हमने एलेबोरेशन पेश की उस एबोरेशन को हमें एक्शन में लेकर आना है तभी हम अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को डिसीजन मेकिंग आउटकम्स की तरफ लेकर जाएंगे जो हमारे लिए पॉजिटिव भी हो रिक्वायर्ड भी हो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक भी हो और इन द राइट प्रायोरिटी हो डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि हमें अपनी प्लानिंग को एक्शन में कन्वर्ट करना है और उस कन्वर्जन प्रोसेस के दौरान बहुत सी रिजिस्टेंसेस बहुत से बिहेवियरल इश्यूज लोगों की नीड्स एंड वांट्स लोगों की एक्सपेक्टेशंस वो हमारे सामने आ सकती हैं वी हैव टू बी केयरफुल इन आर थॉट प्रोसेस वी हैव टू बी क्लियर इन अवर परस्पेक्टिव वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग कि हमारे सामने सिचुएशन क्या है और उसको हम कैसे बेहतर तौर टैकल वो कर सकते हैं